वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आवर चैनल श्री रावतपुरा सरकार संस्थान एक्सपर्ट सीरीज लेक्चर. मायसेल्फ दिव्या पांडे एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन श्री रावतपुरा सरकार संस्थान. इट इज लोकेटेड एट उन्नाव बालाजी रोड. इट ऑफर्स वेरियस कोर्सेज लाइक डी फार्मा, बी फार्मा, डीएलएड एंड बीएड. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑन द टॉपिक हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, मार्कोनिकोफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल. So basically, the contents we are going to discuss in this video are halogenation, mechanism of halogenation, Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule. So let's see what is halogenation. Replacement of hydrogen atom of alkanes by halogen atom in the presence of sunlight or UV light at high temperature is known as halogenation. So halogenation mein alkanes jo hamare hote hain, suppose methane, ethane, प्रोपेन, ब्यूटेन, विच एवर एल्केन, जब सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन से, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन. हैलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम हैलोजन्स की देखें तो फ्लोरीन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन एटम. ठीक है, अब हैलोजिनेशन वैसे तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जितने भी हैं वो सारे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं क्लोरीन एटम से. बट द मैकेनिज्म विच फॉलोज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन. बेसिकली हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म में तीन स्टेप है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन. तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप. चेन इनिशिएशन में क्या होता है, ये जो सीएल बॉन्ड सीएल लाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिकली क्लीव होते हैं, मतलब इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है. बॉन्ड सीएल टू के बीच में ऐसे ब्रेकडाउन होते हैं जैसे कि ईच क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए. ये जो क्लोरीन एटम है ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में जनरेट आउट होते हैं. ये जो फ्री रेडिकल हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं. तो दूसरा स्टेप है हमारा चेन प्रोपोगेशन. चेन प्रोपोगेशन में क्या, हमने मिथाइल लिया CH3 बॉन्ड एच प्लस क्लोरीन एटम. अब ये जो एच है मिथाइल का ये वहां से एलिमिनेट होगा, सीएल के साथ कंबाइन होगा और HCl के फॉर्म में एलिमिनेट आउट हो जाएगा और इस केस में हमें CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल के फॉर्म में मिलेगा. जो मिथाइल फ्री रेडिकल हमें मिला वो अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा और क्लोराइड आयन फ्री रेडिकल के फॉर्म में एलिमिनेट आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर मिथाइल में से एक हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो गया क्लोरीन से और मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया और क्लोराइड एज अ फ्री रेडिकल बाहर निकल गया. नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा मिथाइल क्लोराइड था, अगेन इस CH3 में से एक एच एलिमिनेट आउट होगा, इस Cl के साथ कंबाइन होगा और HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और CH2Cl एक फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो गया. ये CH2Cl जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ ये एक Cl के साथ रिएक्ट करेगा और CH2Cl2 बना लेगा और HCl एलिमिनेट आउट हो जाएगा. इसे हम बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन. CH2Cl2 अब इस केस में फिर से CH2Cl2 जो हमारा बना था इस CH2 में से एक H फिर से निकलेगा, इस Cl के साथ कंबाइन होगा और HCl बनाएगा. CHCl2 फ्री रेडिकल मिल गया हमें फिर से. CHCl2 फिर से इस Cl2 में से एक Cl के साथ रिएक्ट करेगा और CHCl3 बनाएगा और क्लोरीन एज अ फ्री रेडिकल एलिमिनेट आउट हो गया. यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है और ट्राईक्लोरोमीथेन हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है. नाउ नेक्स्ट, अब CHCl3 जो था उसमें से एक H बचा, ये H एलिमिनेट होगा, इस Cl के साथ रिएक्ट होकर HCl बना लेगा और CCl3 एज अ फ्री रेडिकल हमें मिला. CCl3 फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट्स विद दिस क्लोराइड आयन
and forms carbon tetrachloride and chloride ion as a free radical is eliminated out. So overall halogenation of alkanes में से methyl का जब हमने halogenation किया तो उस चारों hydrogen bond जो उसके साथ थे वो चारों hydrogen eliminate out हुए और उनकी position ले ली halogen ने, that is chloride ion ने, और carbon tetrachloride का formation हो गया. From methyl it forms carbon tetrachloride with the help of halogenation reaction. तो halogenation reaction is where the hydrogen atom of alkane is displaced by the halogen atom. It is also known as substitution addition reaction. It follows free radical mechanism. So ये था हमारा chain propagation method. Last है हमारा chain termination method. इस step में जो हमारे free radicals हैं वो आपस में react होकर एक non-free radical बना लेते हैं. जैसे Cl free radical reacts with Cl free radical and forms Cl2, CH3 free radical reacts with Cl free radical and forms methyl chloride, CH3 free radicals reacts with CH3 free radical and forms dimethyl. तो ये तीन जो step थे ये थे हमारे halogenation of alkanes की mechanism के, chain initiation, chain propagation and chain termination. In this halogenation reaction, all hydrogen atom of alkanes are replaced by halogen atom. It is known as halogenation reaction. अब हम देखते हैं Markovnikov rule क्या होता है. According to this rule, negative part of unsymmetrical compound attached to carbon atom of double bond which bears least number of hydrogen. अब hydrogen bromide में hydrogen is the positive group and Br is the negative group. So according to this rule, Markovnikov rule, Br negative group है, तो ये उस carbon से attach होगा जिसके पास less number of hydrogen है, और जो हमारा positive part है वो उस carbon से attach होगा जिसके पास maximum number of hydrogen है. So this Br is going to attach to this carbon, CH, and H is going to attach to this CH2 and will form CH3 CH Br CH3 isopropyl bromide or IUPAC nomenclature 2-bromopropane. So this is Markovnikov rule. Now what is anti-Markovnikov rule? According to this rule, the addition of HBr against the Markovnikov rule. Markovnikov rule में हम negative part को उस कार्बन से जोड़ते थे जहां पर हाइड्रोजन कम है, बट एंटी Markovnikov रूल जो है वो हमारा Markovnikov रूल के अगेंस्ट काम करता है. दैट इज यहां पर पॉजिटिव पार्ट जो है उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. एंटी Markovnikov रूल जनरली परऑक्साइड्स के प्रेजेंस में होती है. तो हम अगर एग्जांपल देखें तो जैसे हमने लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन विच इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड. हाइड्रोजन ब्रोमाइड में H पॉजिटिव ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और Br नेगेटिव ये हमारा नेगेटिव पार्ट है. परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल H पॉजिटिव पार्ट है तो ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब सेकेंड कार्बन CH के पास जाएगा हमारा पॉजिटिव पार्ट और Br जो है वो हमारा CH2 के पास जाएगा एंड विल फॉर्म ब्रोमोप्रोपेन और IUPAC नॉमनक्लेचर 1-bromopropane. सो दिस इज बेसिकली Markovnikov रूल, एंटी Markovnikov रूल. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच वीडियोज एंड यू लाइक द वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन. Thank you.